Welcome to DigiFortech. Please subscribe and press the bell icon. आज का मेरा टेक न्यूज आप जरूर पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और लॉन्चेस आज हुए हैं जिसकी क्लियर फेंस आज मैं आपके सामने करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कलर ओएस 20 नवंबर 2019 को लॉन्च होने वाला है दोपहर को 12 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग। अगर आप देखेंगे कि इसमें काफी कुछ स्टॉक एंड्रॉइड की तरह बनाने की कोशिश की है ओप्पो ने। अब देखते हैं कि ये रोल आउट कब तक के हो जाता है। Xiaomi का आज मी वॉच फाइनली लॉन्च हो चुका है एल्यूमिनियम एलॉय फ्रेम के साथ। इसमें सफायर ग्लास का प्रोटेक्शन आपको दिया गया है। 1.78 इंच का डिस्प्ले है जिसकी रिजोल्यूशन है 326x288। इसमें 570 एमएएच की बैटरी है और कंपनी का दावा है कि 36 घंटे का इसमें बैटरी बैकअप आपको मिलेगा। इसमें दो वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं। बेस वेरिएंट है ₹13,000 और टॉप एंड वेरिएंट है प्रीमियम वाला वो है ₹20,000। 20,000 वाले में आपको स्टेनलेस स्टील फ्रेम के साथ गोरिल्ला ग्लास 3 का भी सपोर्ट मिलेगा। जीपीएस एनएफसी और सेलुलर सपोर्ट का भी फीचर दे दिया गया है। पबजी मोबाइल सीजन 10 जल्द ही लॉन्च होने वाला है। इसमें एक नया कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिसका नाम सारा रहेगा और इसकी व्हीकल रीइंफोर्समेंट वाली स्किल इस कैरेक्टर की रहेगी और ये लॉन्च होगा 9 नवंबर को। गूगल ने आज फाइनली पैच कर दिया है यानी कि पैचेस रिलीज कर दिया है जीरो डे वल्नरेबिलिटी के लिए जो कि क्रोम ब्राउजर के लिए पाया गया था जिसका पैच जो था वो है CVE 2019-13720। आज MI का टीवी 5 यानी कि 5 सीरीज का टीवी लॉन्च हो चुका है। MI ने टोटल 3 साइज पे इसे लॉन्च किया है। आज सिर्फ लॉन्चिंग था बट ये मिलना आपको चालू हो जाएगा चाइना में 11 नवंबर से। तो चलिए बात करते हैं मी टीवी 5 सीरीज की। इसमें मी टीवी 5 में 3 साइज है 55 इंच 65 इंच 75 इंच। मी टीवी 5 प्रो में भी आपको 3 ही साइज मिलेंगे 55 इंच 65 इंच 75 इंच। सभी टीवी आपको 4K डिस्प्ले पैनल है यानी कि 4K टीवी है चाहे आप 55 ले 65 ले 75 ले। लेकिन इस बार MI ने ये किया है कि नया जो प्रोसेसर लगाया है एम लॉजिक का T972 इसकी मदद से आप 8K फाइल को प्लेबैक कर सकते हैं। इट मींस 8K फाइल इसमें सपोर्टेबल है। तो अगर आप कहीं से फाइल 8K रिजोल्यूशन का अरेंज कर पाते हैं तो आप इसमें प्लेबैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं मी टीवी 5 और 5 प्रो वाले सीरीज में क्या अंतर है। सबसे पहले ये पूरे टीवी जो है ये OLED पैनल के साथ आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और मी टीवी 5 प्रो में आपको 4GB की रैम 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। वहीं आपको मी टीवी 5 जो कि थोड़ा लोअर वेरिएंट है उसमें आपको 3GB की रैम और 32GB का स्टोरेज मिलता है। सभी 6 जो इंच आए हैं यानी कि मी टीवी के 3 मॉडल और टीवी 5 प्रो के 3 मॉडल टोटल 6 मॉडल पे आपको एम लॉजिक का T972 वाला ही प्रोसेसर मिलेगा। और इसमें क्वांटम डॉट डिस्प्ले दिया गया है 4K वाला और मीमेक मोशन स्मूथिंग टेक्नोलॉजी दिया गया है जिससे आपको फ्रेम ड्रॉप लैगिनेस नहीं देखने को मिलेगा। पैच वर्ल्ड 2.0 पे वर्क करता है। एंड्रॉइड 9 पाई के ऊपर है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट है और OLED पैनल है इसमें। और इसको काफी नया तरीके से रीडिजाइन करके लॉन्च किया गया है फ्रेमलेस डिजाइन के साथ और स्टील फ्रेम दिया गया है। इस बार किसी भी प्रकार का प्लास्टिक फ्रेम नहीं है। अब मैं बताता हूं इसमें आपको MI TV 5 का जो बेस वेरिएंट है यानी कि 55 इंच उसकी प्राइस रखी गई है ₹30,000। 65 इंच वाले की प्राइस रखी गई है ₹40,000 और 75 इंच वाले की प्राइस रखी गई है ₹80,000। अब मी टीवी 5 प्रो की मैं प्राइस बता रहा हूं। 5 प्रो वाले की 55 इंच की प्राइस रखी गई है ₹37,000। 65 इंच की प्राइस रखी गई है ₹50,000 और 75 इंच की प्राइस रखी गई है ₹1,00,000। माइक्रोसॉफ्ट ने ट्रायल किया है 4 दिन वर्किंग को लेके यानी कि जापान पे अब एक वीक में सिर्फ 4 दिन काम किया जाएगा। इस टाइप के कॉन्सेप्ट को ट्रायल बेसिस पे माइक्रोसॉफ्ट ने रोल आउट किया अपने जापान वाले ब्रांच पे और ऑलमोस्ट 40% राइस रेशियो देखने को मिला है। 30 मिनट के परफॉर्मेंस रेशियो के साथ 2,300 लोगों ने इस टेस्टिंग में भाग लिया था और इससे काफी बूस्ट मिला है। तो मोस्ट प्रोबेबली माइक्रोसॉफ्ट ये अप्लाई कर सकता है कि आपको अगले साल से यानी कि 2020 से एक हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करना पड़ेगा अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के वर्कर हैं
और वो भी जापान वाले ब्रांच पे। एमआई ने आज CC9 प्रो नाम का भी एक अपना नया फोन लॉन्च किया है। ये पेंटा कैमरा सेटअप के साथ आता है और ये दुनिया का पहला 108 मेगापिक्सल का सैमसंग की तरफ से आने वाला कैमरा सेंसर के साथ लॉन्च हुआ है। इसमें आपको बहुत सारे नए फीचर मिलते हैं। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ये फोन डीएक्सो मार्क में सबसे नंबर 1 पे निकल के आया है। 121 ओवरऑल इसका स्कोर मिला है। माइक्रोसॉफ्ट एज का एक क्रोमियम बेस्ड वेरिएंट जैसे कि काफी समय से चर्चे में था और ये आने वाला है, डेवलपिंग स्टेट पे था, अब फाइनली माइक्रोसॉफ्ट ने कंफर्म कर दिया है इसकी रिलीज डेट। ये जनवरी 15, 2020 में लॉन्च होगा, जैसे ही विंडोज 7 बंद हो जाएगा। विंडोज 7 की एक्सपायरी डेट यानी कि विंडोज 7 को क्लोजिंग डेट माइक्रोसॉफ्ट ने कंफर्म किया था जनवरी 14, 2020। उसके नेक्स्ट डे माइक्रोसॉफ्ट रिलीज करेगा अपने नए एज ब्राउजर को जो कि क्रोमियम बेस्ड रहेगा। MI CC9 Pro में आपको Snapdragon 730G वाला प्रोसेसर मिलता है, 108 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा सेंसर मिलता है और इसमें आपको सेकेंडरी कैमरा है 20 मेगापिक्सल का, टर्सरी कैमरा है 12 मेगापिक्सल का, क्वाड्री कैमरा है 8 मेगापिक्सल का और पेंटा कैमरा है आपका 5 मेगापिक्सल का। 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 4x OIS स्टेबलाइजेशन सपोर्ट के साथ 20 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है और 12 मेगापिक्सल का शॉर्ट टेलीफोटो लेंस का कैमरा है जो कि सिर्फ 2x ऑप्टिकल जूम करेगा। और फोर्थ कैमरा जो है 8 मेगापिक्सल का वो लॉन्ग टेलीफोटो लेंस कैमरा है 50x डिजिटल जूम सपोर्ट के साथ। और फिफ्थ कैमरा है 5 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा लेंस के साथ, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इसमें दिया गया है। और ये फोन 5260 mAh की बैटरी के सपोर्ट के साथ आता है, 30 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ। इसमें टोटल 3 वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं। बेस वेरिएंट है 6 GB 128 GB वाला 28,000 रुपए, 8 GB 128 GB वाला 31,000 रुपए और 8 GB 256 GB वाला 35,000 रुपए। ये भी फोन आपको 11 नवंबर से चाइना में मिलना चालू हो जाएगा और इसमें 12 नैनोमीटर यानी कि 12 SIM का सपोर्ट है। ओएलईडी डिस्प्ले दिया गया है, 1:4,00,000 का इसमें एक्सपेक्ट कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, 600 निट्स की ब्राइटनेस है और 398 PPI की इसकी डिस्प्ले है। Amazon Echo और Google के होम स्मार्ट स्पीकर को हैक किया जा सकता है एक लेजर लाइट कमांड से, रिसर्च से सामने आया है। ड्रॉप बॉक्स में अब प्रोफेशनली आप 100 GB तक की फाइल शेयर कर सकते हैं, नया अपडेट आ चुका है। पहले इसकी लिमिट थी 2 GB की, अब 100 GB की स्पीड हो चुकी है, सॉरी 100 GB की लिमिट हो चुकी है। व्हाट्सएप ऐप का एक नया बीटा सामने आया है जिसका वर्जन है 2.19.315। इसमें आपको नए इमोजी मिलेंगे, ट्विकिंग से फैसिलिटी मिलेगी, डार्क मोड मिलेगा और भी नए फीचर्स आपको दिए जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ऑफिस जो ऐप था एंड्रॉइड के लिए और iOS के लिए उसको मर्ज करके एक सिंगल ऐप निकाल दिया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑल इन वन ऐप के नाम से। इसमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों ऐप को कंबाइन करके एक ही जगह आप यूज कर सकते हैं। वन मोर ने पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर लॉन्च किया है इंडियन मार्केट के लिए जिसकी प्राइस रखी है 11,000 रुपीज और अगर आप प्री ऑर्डर करते हैं इसको तो 6,500 रुपीज आपको पेड करना होगा और इसकी डिलीवरी यानी कि शिपिंग स्टार्ट हो जाएगी 20 नवंबर से। सैमसंग ने फाइनल कंफर्म कर दिया है कि वो अपना सैमसंग का जो प्रोसेसर है मोबाइल वेरिएंट के लिए जिसका नाम है एक्सिनोस सीरीज का, सैमसंग के जितने भी प्रोसेसर आते थे अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग को यानी कि रिसर्चिंग को वो बंद करने वाला है US ब्रांच पे। अब सैमसंग फाइनली आर्म के आर्किटेक्चर को यूज करेगा और मोस्ट प्रोबेबली ये भी आपको देखने को मिल सकता है फ्यूचर पे कि डायरेक्ट आपको सैमसंग में क्वालकॉम के ही प्रोसेसर देखने को मिल जाएंगे। गूगल के न्यूज ऐप को नया अपडेट मिला है, इसकी मदद से अब आप इसमें बाई लैंग्वेज सपोर्ट का यूज कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि आपको इंग्लिश और हिंदी यूज करना है या इंग्लिश या तेलुगु, इंग्लिश या तमिल, इंग्लिश या मलयाली, मतलब 12 लैंग्वेज आप एट अ टाइम यूज कर सकते हैं। एप्पल ने पार्टनर अप कर लिया है वैल्यू कंपनी के साथ ताकि वो डेवलप कर सके AR हेडसेट को एप्पल के अपकमिंग आईफोन के लिए, जो कि ये मान के चलिए आपको 2020 वाला जो नया आईफोन आएगा उसमें आपको 5G का सपोर्ट तो मिलेगा ही प्लस AR का भी सपोर्ट मिल सकता है। Redmi 6 Pro और Redmi Y2 को आज इंडियन मार्केट पे MIUI 11 का फाइनली स्टेबल अपडेट मिल चुका है।
अगर आप Redmi 6 Pro के यूजर हैं तो आपको मिलेगा 512 MB का OTA अपडेट, जिसकी मदद से आप MIUI 11 पे अपडेट कर सकते हैं। Redmi Y2 पे आपको 1.5 GB का MIUI 11 का OTA अपडेट मिलेगा। काफी बड़ा है बट आपको तो इसे यूज करना ही है तो आपको अपडेट करना ही पड़ेगा। Xiaomi ने एक नया ऐप यानी कि एक नया मोड डेवलप में फाइंड किया गया है, जो है Xiaomi का एड फोकस मोड। ये MIUI के लॉन्चर या ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ डेवलपर यूजर को ही दिया जाएगा। इस मोड की खासियत ये है कि आप अपने फोन से कुछ समय के लिए दूर रह सकते हैं। ये एक लॉक्ड मोड की तरह है, इसमें टाइम ड्यूरेशन प्री डिफाइंड रहेगा, 20 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट और 90 मिनट। इस डेट पे आपका फोन कंप्लीट लॉक हो जाएगा, आप सिर्फ इमरजेंसी कॉल ही रिसीव कर सकते हैं। ये मोड इसलिए डिजाइन किया जा रहा है ताकि आप अपने फोन से जो एडिक्शन है वो दूर कर सके और फोन को साइड में रख के कुछ टाइम रिलैक्स कर सके। सैमसंग गैलेक्सी A51 की स्पेसिफिकेशन को टिप किया गया है लीक्ड स्नैच के द्वारा। इसके अकॉर्डिंग इसमें मेन कैमरा हो सकता है 48 मेगापिक्सल का, सेल्फी कैमरा रहेगा 32 मेगापिक्सल का, एंड्रॉइड 10 प्री इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा One UI 2.0 के ऊपर, और इसमें सुपर एम्बुलेट डिस्प्ले रहेगा, यू वाला इन्फिनिटी यू वाला डिस्प्ले मिलेगा, 6.5 इंचेस का डिस्प्ले रहेगा, 4370 mAh की बैटरी इसमें हो सकती है। बोइंग ने डिक्लेयर किया है कि स्पेस क्राफ्ट के एबॉर्ट सिस्टम को वो टेस्ट कर रहा है, और पैराशूट अगर फेल भी होता है तो उस केस में भी ये किस तरीके से एबॉर्ट मिशन वर्क करेगा, इसकी टेस्टिंग बोइंग के द्वारा की जा रही है। LG का G Pad 5 फाइनली आज लॉन्च हो चुका है 10.1 इंच के फैबलेट के साथ। इसमें आपको 8200 mAh की बैटरी मिलती है, स्नैपड्रैगन का आउटडेटेड प्रोसेसर 821 SoC मिलता है, 512 GB की इंटरनल स्टोरेज है और इसकी प्राइस रखी गई है 27,000 रुपए। 4 GB रैम 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ भी आता है और इसमें आप एक्सपेंडेबल कर सकते हैं 512 GB तक। 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा इसमें दे दिया गया है। गूगल पिक्सल 4 को नवंबर महीने का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल गया है और गूगल के सभी पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इसका अपडेट आ चुका है, और गूगल के पिक्सल के जितने भी सीरीज हैं उसमें भी आपको नवंबर का अपडेट मिल जाएगा। Xiaomi वॉच प्रो जल्द ही लॉन्च होने वाला है। आज Xiaomi का मी वॉच लॉन्च हुआ है, उसी का एक प्रो वेरियंट भी रूमर पे सामने आ चुका है। इसमें आपको MIUI का ही इंटरफेस देखने को मिलेगा, बहुत सारे नए इनहेंस फीचर रहेंगे और ये मोस्ट प्रोबेबली डायल लीक और मल्टीपल जेस्चर सपोर्ट के साथ भी आ सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्ट कर दिया है रोल आउट का Azure Synapses क्लाउड टूल को। इसकी मदद से आप अपने बिजनेस के डेटा को एनालाइज कर सकते हैं कि वो किस तरीके का वर्क कर रहा है, यानी कि कैसा ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसमें क्या आपको इनहेंसमेंट की जरूरत है वो आप इससे चेक कर सकते हैं। गूगल एम्प्लॉय को कॉल किया गया है कॉर्पोरेट क्लाइमेट चेंज एक्शन के लिए, और ये जो है एमिशन हो सकता है सन 2030 तक, यानी कि 2030 तक ये क्लाइमेट चेंज वाला कमिटमेंट किया जा सकता है। हुआवे का Mate 30 RS पोर्चर डिजाइन आज कंफर्म हो चुका है, अब ये 10 नवंबर को चाइना में लॉन्च हो जाएगा। इसकी प्राइस है 1,30,000 रुपए और ये क्वाड कैमरा रियर सेटअप के साथ आता है, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा है, 6.53 इंच का ओलेड स्क्रीन है इसमें। स्मार्टिजन नट प्रो 3 ये बेसिकली टिकटॉक का पहला स्मार्टफोन है जो चाइनीज ब्रांड ने बनाया है और ये जल्द ही लॉन्च हो जाएगा 10 नवंबर को चाइना मार्केट के लिए। इसमें 128 GB और 256 GB वाला वेरियंट रह सकता है, 8 GB 12 GB वाला रैम के साथ 6.39 इंच का डिस्प्ले है, स्नैपड्रैगन 855 प्लस वाला प्रोसेसर आपको मिल जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं उसकी इंफॉर्मेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। थैंक यू।